हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल और इस वीडियो सीरीज़ के थर्ड पार्ट में। तो मैं आज फिर आ गया हूँ एक और वीडियो लेकर। इस वीडियो में मैं अपने सीनियर सेकेंडरी स्कूल का एक छोटा सा टूर आपको करवाऊँगा। उम्मीद है आपको ये टूर पसंद आएगा। यूँ तो मेरा ये स्कूल बहुत ही खूबसूरत है, पर इसका इतिहास और भी ज़्यादा खूबसूरत है। तो चलो, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए शुरू करता हूँ इस वीडियो को। हेलो दोस्तों, आज है 7 नवंबर और सुबह के 9:45 हो रहे हैं और ये है इस सीरीज़ का थर्ड पार्ट। सो पिछले दो पार्ट्स की छोटी सी झलक आपको दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने सुजानपुर से नाहन की जर्नी HRTC बस में की थी। सेकंड पार्ट में मैंने अपने प्राइमरी स्कूल में थोड़ा सा वक्त बिताया था। तो हम अभी अपने प्राइमरी स्कूल से आकर अपने सीनियर सेकेंडरी स्कूल जा रहे हैं। अभी मैं बनोग बस स्टॉप पर खड़ा हूँ बस का वेट करने के लिए। तो देखते हैं कोई बस आए तो मैं अपने स्कूल पहुँच जाऊँ। और ये सामने यहाँ माँ बाला सुंदरी माता का बहुत ही खूबसूरत मंदिर भी है। इस मंदिर में हम अक्सर रोज़ माथा टेक कर स्कूल जाते थे। इस मंदिर के दर्शन मैं आपको बहुत जल्दी ही इस वीडियो सीरीज़ में करवाऊँगा। और दोस्तों, ये फॉरेस्ट कॉरपोरेशन का ऑफिस गेट है। पहले ये ऑफिस पक्का टैंक नाहन में होता था, बट इस ऑफिस को कुछ साल पहले बनोग में ट्रांसफ़र कर दिया था। तो दोस्तों, HRTC की बस भी नाहन के लिए आ गई है, पर मैं इसमें नहीं जा पाया क्योंकि इस बस में भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी, तो जाना मुश्किल था नाहन तक। तो अब मुझे दूसरी बस का वेट करना पड़ेगा। देखते हैं अब कौन सी बस मिलती है मुझे। और दोस्तों, ये है बिरोजा एंड तारपिन की फैक्ट्री। और ये फैक्ट्री हिमाचल में सिर्फ दो जगह में है, एक तो नाहन जो आप देख रहे हैं और एक बिलासपुर में है। तो दोस्तों, बस आ चुकी है। मैंने जाना तो HRTC में था, पर क्या करें, आज अपनी किस्मत में प्राइवेट बस का ही सफ़र होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस सफ़र को। जगह तो इस बस में भी नहीं है वैसे बैठने के लिए, पर कोई बात नहीं, इतनी कुर्बानी चल पड़ती है स्कूल जाने के लिए। बनोग से नाहन जो है तकरीबन 3 किलोमीटर है। ये हम पहुंचे कारमल स्कूल के पास और 100 मीटर आगे ही गवर्नमेंट ITI का कैंपस भी है। यहाँ ITI के कुछ स्टूडेंट्स बस से उतरे और कुछ लोग यहाँ से बस में चढ़े और उसके बाद हम चल पड़े नाहन की तरफ। थोड़ी देर में मैं पहुंच गया गुन्नू घाट बस स्टॉप पर। और भाई साहब, यहाँ तो कुछ अलग ही देखने को मिला। जब मैं यहाँ रहता था तो यहाँ कुछ नहीं था, बट अब तो पार्किंग बन गई है। चलो, कुछ तो नया हुआ है नाहन में, बदला है नाहन में। फाइनली हम पहुंच ही गए नाहन शहर में और ये नाहन का खूबसूरत माल रोड है। और ये नाहन का ऐतिहासिक चौगान ग्राउंड, जहां पर अक्सर बड़े बड़े फेस्टिवल्स, मेले, प्रोग्राम्स, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स और यहां तक कि मेरे स्कूल के कुछ फंक्शंस भी इसी ग्राउंड में होते हैं। फाइनली हम पहुंच गए दिल्ली गेट। इस गेट को लिटन मेमोरियल के नाम से भी जानते हैं।
तो चलो अब चलते हैं स्कूल की तरफ। ओ वाओ, आज तो गुरु नानक देव जयंती है एंड नाहन के गुरुद्वारा श्री दशमेश स्थान में आज बहुत ही धूमधाम से ये पर्व मनाया जाएगा। और फाइनली मैं पहुंच गया अपने स्कूल के गेट के बाहर। तो चलो चलते हैं अब स्कूल के अंदर। और ये स्कूल का मेन गेट है जो सिर्फ मॉर्निंग एंट्री टाइम एंड छुट्टी के टाइम ही ओपन होता है, बाकी टाइम बैक साइड से ही एंट्री होती है। तो चलो चलते हैं हम। तो दोस्तों ये देखिए, ये है मेरा बहुत ही खूबसूरत स्कूल जहाँ मैंने स्टडी की है। तो चलो दोस्तों, टूर से पहले मैं आप सबको इस स्कूल के इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, फिर कैंपस में घूमने का आनंद लेते हैं। सबसे पहले बात करें इस स्कूल की शुरुआत की, तो ये 30 अप्रैल 1783 को यानी अप्रोक्स 240 ईयर्स पहले एक पाठशाला के रूप में शुरू हुआ था। कुछ समय बाद हाई स्कूल एंड प्लस टू के रूप में स्टार्ट कर दिया गया था और इस स्कूल का नाम नाहन के महाराजा शमशेर प्रकाश जी के नाम पर पड़ा था। एंड इस स्कूल को पाठशाला से हाई स्कूल में अपग्रेड करने में महाराजा शमशेर प्रकाश जी का विशेष योगदान रहा। और इस स्कूल की खास बात बताऊं मैं आपको, तो इस स्कूल में हिमाचल के पहले CM डॉक्टर YS परमार जी भी शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं और राज्यपाल अश्वनी कुमार जी के अलावा बहुत सी हस्तियां इस स्कूल से शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, जिनमें कि 7 फ्रीडम फाइटर्स, 13 IAS, 5 IPS, 3 पार्लियामेंट मेंबर्स और 3 लेफ्टिनेंट जनरल शामिल हैं। इनके अलावा CBI डायरेक्टर अश्वनी कुमार जी, 2 स्टेट मिनिस्टर्स, 1 विधायक भी शमशेर स्कूल से पढ़ाई पूरी करके गए हैं। और कुंवर राव राजा राम, हरवंश कुंवर वीरेंद्र सिंह सिरमौर रियासत के जो राजा थे, और चरित्र अभिनेता मोहन सूरी जी ने भी यहाँ पर पढ़ाई की, और ना जाने कितने फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, स्पोर्ट्स पर्सन्स, एक्टर्स, लिटरेचर्स, जस्टिस एंड लॉ डिपार्टमेंट्स की हस्तियों ने यहाँ से अपनी शिक्षा की बुनियाद तैयार की। ये स्कूल प्रदेश का सबसे पुराना स्कूल है। आज भी स्कूल के मेन गेट में लगे बड़े से घंटे से ही स्कूल का टाइम पीरियड तय होता है। तो दोस्तों ये था मेरे स्कूल का खूबसूरत इतिहास। तो अब चलिए अब स्कूल के कैंपस में घूमना फिरना हो जाए और कुछ और जानकारी देने की कोशिश करते हैं आपको। वैसे तो आज स्कूल में टीचर्स भी बहुत कम है क्योंकि मैक्सिमम टीचर्स आज इलेक्शन ड्यूटीज़ पर हैं। मैंने अपने सर को कॉल की थी तो वो भी आज इलेक्शन ड्यूटी में ही बिजी हैं। तो ये है मेरे स्कूल का कैंपस। सबसे पहले दर्शन करवाते हैं हम आप अपने स्कूल के मंदिर के, यानी विद्या की देवी माँ सरस्वती जी के। तो ये है स्कूल के कैंपस में माँ सरस्वती जी की सुंदर और भव्य मूर्ति। तो चलो अब चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों स्कूल में 2 सेशन चलते हैं, जिसमें एक मॉर्निंग एंड एक इवनिंग सेशन। मॉर्निंग में 6th to 10th क्लासेस एंड इवनिंग में 10+1 एंड 10+2 क्लासेस होती हैं। दोस्तों ये है वो मेन गेट जिसमें एक बहुत बड़ी बेल अटैच है जो मॉर्निंग असेंबली एंड छुट्टी के टाइम बजाई जाती है। और इस स्कूल की तरफ लोगों को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला मेन गेट यही है। और ये लेफ्ट साइड में क्लासरूम्स हैं और अभी पीरियड खाली है तो बच्चे बालकोनी में खड़े हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत स्टैचू हिमाचल के पहले CM डॉक्टर YS परमार जी का है। और ये साथ ही दूसरा स्टैचू स्कूल के फाउंडर नाहन के महाराजा शमशेर प्रकाश जी का है, जो कि स्कूल की शोभा को 4 चांद लगा देता है।
और ये गेट के राइट साइड में पहले क्लासरूम्स होते थे, बट अब इसको स्टाफ रूम में कन्वर्ट कर दिया है और कुछ टीचर्स भी यहाँ बैठे हैं। दोस्तों ये है स्कूल का असेंबली ग्राउंड, जहाँ डेली असेंबली के लिए सभी इकट्ठे होते हैं। एंड साथ ही ये सामने वाली बिल्डिंग प्रिंसिपल ऑफिस है, और साथ ही नीचे माँ सरस्वती जी का मंदिर। और एक बात, अब तो ड्रेस चेंज हो गई है स्टूडेंट्स की। जब मैं था तो ब्लू शर्ट एंड ग्रे ट्राउज़र होता था। कुछ फ़ोटोज़ आपको दिखाता हूँ 2013 एंड 2014 के। ये कुछ फ़ोटोज़ मैंने बॉयज़ स्कूल नाहन के ऑफिशियल फेसबुक पेज से लिए हैं। आप फेसबुक में स्कूल के पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। हालांकि काफ़ी टाइम से इस पेज में पोस्ट नहीं आ रही हैं, तो चलिए आपको हम फ़ोटोज़ दिखाते हैं। एंड कुछ फ़ोटोज़ आपको मैं तब के दिखाता हूँ जब 10+2 की फेयरवेल पार्टी हुई थी। और स्कूल से चौगान ग्राउंड भी बहुत क्लियर दिखता है। और ये स्कूल के हॉल की बालकनी है।
तो चलो अब चलते हैं नीचे। और ये है स्कूल की कैंटीन, जहाँ स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट स्नैक्स, जिसमें कि समोसा, ब्रेड पकौड़ा और कचौड़ी एट्सेट्रा मिल जाते हैं। मैंने तो बहुत ही ज़्यादा खाए हैं अपने स्कूल की कैंटीन के समोसे और ब्रेड पकौड़े, बहुत टेस्टी होते हैं भाई साहब। और मेरे लिए आज खुशी की बात ये है कि कैंटीन वाले अंकल जी ने मुझे इतने सालों बाद भी पहचान लिया। कैंटीन के साथ ही स्कूल के बैक साइड को लेबोरेटरी ब्लॉक है और ये शहीद स्मारक भी बना है। ये है इस स्कूल में पढ़ाई कर चुके डिप्टी कमांडेंट विजय सिंह जी, और ये है स्कूल मंच, जिसको शमशेर मंच भी कहते हैं। और ये स्कूल की सबसे पुरानी इमारत, जिसे अब अमर ब्लॉक भी बोलते हैं। और ये लाल बहादुर शास्त्री जी की तस्वीर भी कैंपस में लगी हुई है, और शमशेर मंच के साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का स्टैचू भी है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती का भी प्रोग्राम होता है स्कूल में। आज शमशेर मंच में डेस्क लगे हुए हैं क्योंकि क्लासेस आज बाहर भी लगी हैं। सर्दी का मौसम है तो धूप में क्लासेस लगा लेते हैं कभी कभी। और ये सामने 10+2 की फिजिक्स की क्लास चली हुई थी। ये क्लास राकेश मोहन सर ले रहे थे, जिन्होंने मुझे भी फिजिक्स पढ़ाई है। और ये अमर ब्लॉक का बोर्ड लगा हुआ है बिल्डिंग में, अस्तो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, बहुत ही प्यारा श्लोक मेन गेट में लिखा गया है। और ये पॉलिटिशियंस एंड फ्रीडम फाइटर्स के नाम भी यहाँ पर लिखे हैं, जिन्होंने इस स्कूल का नाम रोशन किया है। इस सम्मान पट्टिका को अनविल्ड पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी के द्वारा स्कूल के 222 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 11 नवंबर 2005 को किया गया। साथ ही इस अवसर पर माँ सरस्वती जी की मूर्ति की स्थापना स्कूल फाउंडर महाराजा शमशेर प्रकाश जी और फर्स्ट CM ऑफ हिमाचल डॉक्टर वाई एस परमार जी की प्रतिमाओं को भी अनवील्ड किया गया। और ये देखो भाई साहब, बच्चे समोसे पैक कर रहे हैं कागज में, क्या बात है। हम भी कभी कभी कर लिया करते थे ऐसे काम। भाग का नहीं, भाग का नहीं हो। और ये यहाँ पर स्कूल टीचर्स की लिस्ट लगी हुई है, जो इस स्कूल में करंटली वर्किंग है। और ये पीरियड टाइम बेल है, जितने भी एक सेशन में पीरियड्स होते हैं उनके शुरू होने पर इस बेल को बजाया जाता है। अगर फर्स्ट पीरियड शुरू होगा तो सिंगल बेल, अगर सेकंड पीरियड शुरू होगा तो 2 बेल्स, ऐसे ही पीरियड्स के नंबर के अकॉर्डिंग इस बेल को उतनी ही बार बजाया जाता है। तो दोस्तों, ये था मेरे स्कूल का एक छोटा सा टूर, एंड आशा करता हूँ कि आपको मेरे स्कूल का टूर बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को उन सबके साथ जरूर शेयर करना, जो भी स्कूल में टीचर्स एंड स्टूडेंट्स हो या रह चुके हों। तो और अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे एंड आप वीडियो को देख सकें। और दोस्तों, आप इस स्कूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल में आपको स्कूल की एक्टिविटीज़ के बारे में अपडेट्स मिलेंगी। एंड मेरे सर के चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, सभी चैनल्स और सभी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा।
तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।